बगुला और केकड़ा। एक समय की बात है, एक तालाब के पास एक बगुला रहता था। वो उसी तालाब से मछलियाँ पकड़ के अपना पेट भरता था। हर एक मछली उससे नफरत करती थी, लेकिन उसे मछलियाँ पसंद थी क्योंकि ये मछलियाँ कितनी जायकेदार हैं। यम। बगुला कभी भी भूखा नहीं रहता, वो मजे से शिकार करता और खाता। ये मुझे क्या हो रहा है? बगुला अब बूढ़ा और कमजोर हो रहा था। वो अब पहले जैसा नहीं था, उसकी उड़ान भी धीमी हो गई थी। मैं तो जल्दी थक गया। जैसे ही वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता, मछलियाँ उसकी पकड़ से फिसल जाती थी, क्योंकि बगुला सुस्त हो गया था। मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। वहाँ मत जाओ, बगुला तुम्हें खा लेगा। घबराओ मत, वो पिछले 2 हफ्तों से कोशिश कर रहा है। मैं तो उसका मजाक भी उड़ाती हूँ। अब देखो वो हिल भी नहीं पा रहा। जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है, मैं छलांग लगाती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। मछली पकड़ लिया। लेकिन वो अक्सर मुंह के बल गिर जाता और मछली तैर के निकल जाती। देखा तुमने, हमें उस बगुले से डरने की जरूरत नहीं। वक्त के साथ साथ वो इतना कमजोर हो गया था कि वो ठीक से शिकार भी नहीं कर पा रहा था। अब तो मछलियाँ उसके आसपास भी मंडरा रही थी, फिर भी वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। इस बुढ़ापे ने तो मुझे भूखा मार दिया, अब मैं क्या खाऊंगा? पिछले 2 दिन से मैं भूखा हूँ। एक दिन उसे बहुत भूख लगी, उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। अपनी भूख को आसानी से मिटाने के लिए उसने एक योजना बनाई। ओह, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अपनी योजना की शुरुआत करने के लिए वो तालाब के किनारे आ गया, वो भी उदास चेहरा लेके, मानो शिकार की कोई इच्छा ही ना हो। मछलियाँ, मेंढक और केकड़े को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिकार क्यों नहीं कर रहा। ओह, ये कितना उदास है, शायद वो भूखा होगा, क्या ये मर जाएगा? एक बड़े से केकड़े ने बगुले को उदास देखकर उससे पूछा, क्या हाल बगुला भाई, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, इस तालाब के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? वो भला क्या है? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुम्हें सुनाने की। ओ, अब बताओ भी, अगर तालाब की बात है तो हमें जाना जरूरी है, हम भी यहीं रहते हैं। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो। दरअसल इस तालाब की एक भी मछलियाँ नहीं बचने वाली हैं। यही मछलियाँ खाकर मैं मेरा पेट भरता हूँ। एक भी मछली नहीं बचेगी? कैसे, क्यों? मैंने सुना है कि कुछ लोग इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और यहाँ फसल उगाएंगे। ये क्या बोल रहे हो, ये तो सच में बुरी खबर है, मैं बाकी सबको बताता हूँ। ये तो हद हो गई, अब तो मारे जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? सभी तालाब के प्राणी बगुले की बात सुन के परेशान हो गए। अब हम क्या करेंगे? पानी के बिना तुम सब तो रह सकते हो, लेकिन हम मछलियाँ नहीं। मेरा काम बन गया। अपना काम बनता देख बगुले ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास एक रास्ता है। सच में? हाँ, मुझे एक तालाब के बारे में पता है जहाँ सभी प्राणी सुरक्षित रहेंगे। अगर तुम सबको ये बात मंजूर है तो मैं हर रोज कुछ प्राणियों को उस तालाब तक ले जाऊंगा। आओ बगुला भाई, हमें बचाओ, हमें बचाओ, मदद करो, मदद करो हमारी। सभी प्राणी जल्दी से बगुले की मदद लेना चाहते थे, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या 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 क्या? मेरे बुढ़ापे की वजह से मुझे हर यात्रा के दौरान आराम करना पड़ेगा, और एक बार में मैं सिर्फ कुछ ही
मछलियों को ले जा पाऊंगा। हमें मंजूर है। कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूँ। सब तैयार है। सभी प्राणी बगुले की शर्त मानकर उसके साथ जाने को तैयार हुए। पहली ही यात्रा में बगुले ने कुछ मछलियों को अपनी चोंच में लिया और वो चल पड़ा, लेकिन वो तालाब की तरफ नहीं गया बल्कि एक पहाड़ पर गया और मछलियों को वहाँ खा गया। आखिरकार मेरी भूख मिट गई। कुछ देर आराम करने के बाद जब उसे फिर से भूख लगी तो वो फिर यात्रा पे चल पड़ा। ऐसा करते करते उसे लगातार मछलियाँ खाने मिलती, वो भी बिना किसी मेहनत के। कुछ दिन बाद बगुले की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई और वो पहले जैसा हष्ट पुष्ट हो गया। बड़े केकड़े को भी खुद को बचाना था। सुनो, मुझे भी उस तालाब के पास ले चलो। अरे वाह, कुछ हटके चखने का भी मजा ले लूं। ठीक है, मैं तुम्हें अगली बार साथ ले जाऊंगा। जब बगुला केकड़े को लेके उड़ा, उसके कुछ देर बाद ये तालाब अब और कितनी दूर है। बगुले को लगा कि केकड़ा बहुत ही नादान प्राणी है और उसकी चाल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ओए मूर्ख, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? यहाँ कोई भी तालाब नहीं है। मैंने ये सारी योजना तुम्हें खाने के लिए बनाई थी। अब अपनी जान खोने के लिए तैयार हो जाओ। केकड़े को बगुले की चाल का पता चल गया था। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा स्वार्थी बगुले। और बिना वक्त गवाए केकड़े ने अपने तेज पंजों से बगुले की गर्दन को दबोच लिया। छोड़ो, दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द और सहना पड़ेगा तुम्हें। केकड़े ने बगुले की गर्दन मरोड़ दी और बगुला मर गया। केकड़ा फिर बड़ी मुश्किल से तालाब के पास पहुंचा और सारा किस्सा सभी तालाब के प्राणियों को सुनाया। सभी ने उसके बहादुरी की तारीफ की। केकड़ा भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। नहीं, बगुले ने अपनी जान लालच की वजह से गवाई, ना कि मेरे होशियारी की वजह से। तो हमने क्या सीखा? ज्यादा लालच करना बहुत बुरी बात होती है बच्चों।